भगवान बुद्ध के ममेरे भाई का नाम था देवदत्त। देवदत्त ममेरे भाई थे, मामा के लड़के थे। जब भगवान बुद्ध धम्म प्राप्त करने के बाद, बोधि प्राप्त करने के बाद कपिलवस्तु गए, तो उनके लगभग सभी कजिन उनके साथ धम्म में आ गए और सभी ने पवज्जा ले ली। देवदत्त ने भी पवज्जा ली। देवदत्त बुद्धि के और मेहनत के बड़े धनी थे। उन्होंने बहुत जल्दी इद्धि बल प्राप्त कर लिया। इद्धि बल मतलब बॉडी से, शरीर से परे का, यानी मनोवैज्ञानिक शक्तियां, मनोवैज्ञानिक बल और मनोवैज्ञानिक ज्ञान उन्होंने अर्जित कर लिया। एक इच्छा ने, जो उनकी इच्छा थी, उस इच्छा ने उस उनकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। वो जो उनकी इच्छा थी, वो जो उनकी कामना थी, वो इतनी ज्यादा बलवती थी, इतनी ज्यादा प्रबल थी कि उसने सारे गुणों को अवगुण में बदल दिया। वो इच्छा थी कि वो भगवान बुद्ध की तरह बनना चाहते थे, भगवान बुद्ध ही बनना चाहते थे। ये उनकी अभिलाषा, ये उनकी इच्छा थी, ये उनकी डिजायर थी, ये उनकी तृष्णा थी, और जो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। इद्धि बल, मनोवैज्ञानिक बल होने के कारण उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने पक्ष में किया हुआ था, जिसमें राजा अजात शत्रु भी उनका मित्र था और जो उनकी बात को मानता था। ये उनमें खास बात थी। भिक्खु संघ, जो भगवान बुद्ध का भिक्खु संघ था, सावक संघ था, वो बहुत पावरफुल था, बहुत अच्छा था और बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित था, अनुशासित था, और उसमें बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे टीचर थे। उस भिक्खु संघ में जो दूसरे और तीसरे नंबर के भिक्खु थे, वो थे महामोगल्यान और सारिपुत्र थे। भगवान बुद्ध तो जाहिर सी बात है पहले नंबर के थे, क्योंकि संपूर्ण सम्यक सम ज्ञान उन्हीं को था, उनसे कम बाकी सबको था। देवदत्त की ये इच्छा थी कि वो भिक्खु संघ का नेतृत्व करें और उन्हें भिक्खु संघ मिल जाए। अजात शत्रु अपने पिता की हत्या करने के बाद राजा बने, और उस समय तक बुद्ध काफी बूढ़े हो चुके थे, देवदत्त भी। तो देवदत्त की ये अभिलाषा और ये तृष्णा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने भिक्खु संघ में भेद कर दिया, भिक्खु संघ में अंतर कर दिया, भिक्खु संघ में विभाजन करने की नींव डाल दी। जो बज्जीपुत्र थे, बज्जीपुत्र का मतलब है कि उस समय जो बुद्ध काल में जो 16 बड़े जनपद थे, जिले थे, महाजनपद जिनको बोलते थे, उनमें एक वज्जी भी था। तो वज्जी के जो लोग थे उनको वज्जीपुत्र बोलते थे। वहां से कुछ नव युवक आए थे, लगभग 500 की संख्या में, जो वहां भर्ती हुए उस यूनिवर्सिटी के अंदर, और वहां उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली, परिव्रजक हुए और वो वहां सीखने लगे। वो सामने थे, चंचल मन था, क्योंकि सभी नवयुवक थे, आते परिपक्व हुए नहीं, जैसे आजकल के युवा हैं जो बहुत ज्यादा जोश में होते हैं और दो चार अक्षर अगर वो व्हाट्सएप पे सीख लें या दो चार बात अगर वो फेसबुक पे जान लें, तो उनको लगता है कि उन्होंने 50-60-70 साल के जो जानकार लोग हैं उनसे ज्यादा जान लिया। एक आध किताब अगर वो पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है कि बस अब हमें किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब हम जान गए। ऐसा हर उम्र में, हर देश में, हर जगह ऐसा होता है। ये एक बीच में गैप होता है जिसको एज गैप बोलते हैं, या जिसको हम एक तरह से पीढ़ी का बीच में अंतर बोलते हैं, पीढ़ियों का अंतर। इस अंतर के कारण ही पीढ़ियों में आपस में बातचीत होती रहती है और अंतर आते रहते हैं। यही बात वज्जी पुत्रों में थी। वज्जी पुत्रों को नहीं पता कि धम्म क्या है और क्या नहीं है। अपने रिद्धि बल के आधार पे देवदत्त ने 500 नए श्रमण जो सामने आए थे उनको भ्रमित कर लिया और उनको ऐसा बता दिया कि देवदत्त बहुत अच्छा जानते हैं और देवदत्त से अच्छा कोई नहीं जानते और वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। और वो उन 500 वज्जी पुत्रों को लेके वहां से चले गए, यानी भिक्खु संघ में उन्होंने दो टुकड़े किए। उनको लेके गए वो गया सीस पे। गया सीस का मतलब है जो गया सिटी है आज की डेट में, उसके पास में जो पर्वत है उसको गया सीस, सीस माने हेड को बोलते हैं। जैसे आपने सीसगंज गुरुद्वारा देखा होगा, सीसगंज गुरुद्वारा, या कहते हैं कि उसका सीस नब गया या उसका सीस ऊपर उठ गया, तो गया सीस जो पर्वत था वहां जाके वो रहने लगे और वहां जाके उनको दीक्षा देने लगे। भगवान बुद्ध जो थे उस समय सावित्री में थे और सावित्री में वो सिखा रहे थे और वहीं वो रह रहे थे, जैतवना आराम में, यानी जैतवन बिहार के अंदर। समय बीता तो सारिपुत्र और मोगलायन को इस बात का एहसास था कि भिक्खु संघ के टुकड़े हुए जो नहीं होने चाहिए, और वो जो सामनेर हैं उनको सही शिक्षा मिलनी चाहिए,
उनको भ्रमित शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए ताकि उनका फायदा हो। उन्होंने भगवान बुद्ध से अनुमति ली और अनुमति लेके वो गयाशीष पर्वत पे गए। गयाशीष पर्वत पे जाने के बाद देवदत्त बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, देखो मैं इतना अच्छा सिखाता हूँ कि मुझसे प्रभावित होकर सारिपुत्र और महामोगल्यान भी आए। देवदत्त वहां उनको देशना दे रहे थे, सिखा रहे थे। सिखाते सिखाते वो थक गए तो उन्होंने कहा कि सारिपुत्र अब आप इनको देशना दें और सिखाएं, मैं थोड़ा सा कमर सीधी कर लूं, आराम कर लूं। थके हुए थे क्योंकि वो भी बूढ़े हो चुके थे, लेट गए और वो वहां संगाठी बिछाकर सो गए अपनी कहीं झोपड़ी में। सारिपुत्र ने वहां देशना देनी शुरू करी। देशना जब वो दे रहे थे तो देशना उन्हें जो सम्यक देशना थी पहली बार वहां वज्जी पुत्र को मिली, उनको ये महसूस हुआ कि इस देशना में और जो देवदत्त देशना देते हैं, जो धम सिखाते हैं, उसमें तो बड़ा अंतर है। वहां कुछ प्रसन्न हुए, कुछ उत्तर हुए। उन्होंने बताया कि सम्यक संबुद्ध जो सिखाते हैं वो सबसे अच्छा होता है, बाकी दुनिया में सिखाने वाले बहुत लोग हैं मगर उनका धम सबसे सही और इंसानियत के लिए और पूरी दुनिया के लिए यूनिवर्सल होता है, ऐसा उन्होंने वहां बताया। उनसे प्रभावित होके सभी वज्जी पुत्रों ने कहा कि हम आपके साथ चलते हैं और बुद्ध के पास वहीं जाके शिक्षा लेंगे। सारिपुत्र ने कहा बहुत अच्छा है और महामोगल्यान और सारिपुत्र उनको लेके वहां से चलने लगे। जब वहां से वो चलने लगे तब वहां जो एक भिक्खु थे जिनका नाम था कोकालिक। कोकालिक का मतलब पाली में होता है, कोक का मतलब होता है भेड़िया। देखिए देवदत्त के जो साथ में भिक्खु हैं उनका नाम है कोकालिक और कोकालिक का मतलब है वक्र या भेड़िया। तो उन्होंने कोकालिक ने जगाया, उठो देवदत्त, देवदत्त उठो, भिक्खु संघ जा रहा है। भिक्खु संघ चला गया। देवदत्त शाम का समय था, रात हो चुकी थी और वो बड़े हड़बड़ाए, थके हुए भी थे। भिक्खु संघ के जाने की खबर से उनको बड़ा धक्का लगा और वो डिप्रेशन में आ गए क्योंकि उनकी जो तृष्णा है, उनकी जो लालच था, उनकी जो इच्छा थी जो उनके ऊपर हावी थी, वो अपना रौद्र रूप ले चुकी थी और वो अब डिसीज में बदल चुकी थी, बीमारी में बदल चुकी थी। उस बीमारी के असर के कारण उनके बूढ़े शरीर को एक साथ धक्का लगा और वो झेल नहीं पाए और वो बीमार पड़ गए। एक दिन बीमार रहे, दो दिन बीमार रहे, हफ्ते रहे, दस दिन रहे, बीस दिन रहे, नौ महीने तक बीमार रहे। अब उनको ये एहसास होने लगा क्योंकि विपसना तो वो भी करते थे और रिद्धि बल में पारंगत थे, हालांकि उनके रिद्धि बल खत्म हो चुके थे और उनके रिद्धि बल खत्म होने की वजह से उनको अब उनके पास में ताकत नहीं थी। फिर भी वो विपसना जानते थे और सिखाते भी थे तो उनको ये एहसास हुआ कि पूर्व समय में मैंने बुद्ध के साथ में, अपने भाई के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, कई बार मारने की कोशिश की, बहुत लोगों को भड़काया, भिक्खु संघ में भेद किया। भिक्खु संघ में भेद बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, मुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। और उन्हें यह एहसास होने लगा कि अब उनका जीवन अच्छी तरह से नहीं है और वो बहुत ज़्यादा जो मर्मान तक पीड़ाएं होती हैं, यानी कि मरने के लिए जो वेदनाएं आती हैं, जो मृत्यु के साथ आती हैं या मृत्यु के लिए आती हैं, जब मृत्यु का प्रोसेस स्टार्ट होता है और मृत्यु शरीर को घेरती है, उसका आभास उन्हें होने लगा। तो उन्हें लगा कि मुझे बुद्ध के पास जाना चाहिए और वहां जाके उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, हो सकता है कि मेरी कुछ पीड़ाएं, मेरी कुछ मरने वाली जो पीड़ाएं वेदनाएं वो कम हो जाए। और वो हो भी जाती अगर वो बुद्ध के पास जाके क्षमा मांग लेते और बुद्ध उनको क्षमा कर देते, वो तो करुणाशील थे। तो उन्होंने वहां पालकी मंगाई और पालकी मंगा के और पालकी में बैठे और उसके बाद में उन्होंने कहा कि चलो। जब वो चलने लगे तो रास्ते में तबीयत और ज्यादा खराब हो गई, एक रिवर रास्ते में पड़ी। तो उन्होंने सोचा कि बुद्ध से मैं मिलने जा रहा हूं तो नहा धो के जाऊं। नहा के धोने के लिए जैसे ही वो उतरे उस रिवर पे ही नहाने के साथ ही वो शरीर उनका खत्म हो गया और सांस उनकी खत्म हो गई, उनका हार्ट फेल हो गया, उनका दिल फट गया और वो नहीं जा पाए बुद्ध के पास तक। ये वो कथा है जो कथा गाथा के साथ आती है, गाथा नंबर 17 में। इसकी गाथा इस प्रकार है। गाथा इस प्रकार है, इध तपती पेच तपती, पापकारी उभयत तपती, पापंग में कतंग ती तपती, भियो तपती दुग्गतिंग गतो। इध तपती पेच तपती का मतलब है इधर तपता है, यानी कि जो उसे संताप होता है पाप में, इधर जलता है। इधर का मतलब है शरीर में जलता है और
पिच तपती, यानी शरीर के परे भी तपता है। शरीर के परे का मतलब है कि मन में भी वो तपता है। ये बात ध्यान देने की है, भगवान बुद्ध ने जितनी बातें कही हैं उनके कई सारे अर्थ बड़े क्लियर होते हैं कि जो आदमी शरीर से दुखी होगा वो मन से भी दुखी होगा। इसलिए बीमार आदमी का मन हमेशा बीमार रहता है, और अगर किसी का मन बीमार है, डिप्रेशन में आ गया, तो उसका शरीर भी बीमार हो जाता है। तो वो कहते हैं इद तपती पेच तपती, यानी कि इधर भी तपता है, इधर भी दुख में रहता है और उधर भी दुख में रहता है, मन भी और शरीर भी। पापकारी उभयत तपती, यानी कि जो पापकारी है, पाप करने वाला है, पाप कर्म करने वाला है, उभय माने दोनों तरफ, उभयत तपती, दोनों तरफ से वो तपता है, दोनों तरफ से उसको हानि होती है, दोनों तरफ से वो नुकसान उठाता है। पापंग में कतंगति तपती, पापंग में यानी मेरे द्वारा, मैं माने होता है जो मेरे पाप किए हैं, कत माने करना होता है कतंग, और पाप माने पाप को, यानी मेरे द्वारा जो पाप हुए हैं या जो मैंने पाप किए हैं उनमें तपता है, यानी कि अपने किए हुए पाप द्वारा तपता है, दुख में रहता है। भियो तपती दुग्गति गतो, यहां भियो का मतलब है बहुत, यानी बार बार दोबारा, भियो बार बार तपेगा, दोबारा तपेगा, लगातार उसमें तपता रहेगा, उसको पाप कर्म हमेशा उसको जलाते रहेंगे। तपती दुग्गति गतो, और उसकी जो गति है वो दुग्गति होती है, दुग्गति का मतलब है दुर्गति होती है, उसकी गति ठीक नहीं होती, वो खराब होती है। यह है गाथा नंबर 17 एक, जो देवदत्त की कहानी है। धन्यवाद।